अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। पहले आज के बाद आगे मेरे लिए बनाइएगा। तो जो है आज हम बना रहे हैं खाने में कीमा पालक आलू। मैं की ब्लर हो गई। कीमा पालक आलू और चूल्हे पे खाना है और साथ में हम बना रहे हैं फालसे का जूस, क्योंकि कल जो मैं फालसे लाई थी इस कदर खट्टे और कदर कच्चे थे, तो मैंने वो खाना इम्पॉसिबल है, तो उसका हम बना लेते हैं जूस। तो हम बना रहे हैं जूस। ये देखें बन रहा है फालसे का जूस। और इसके साथ सबसे मुश्किल काम जो है ना, ये है इसको छानना, जिसमें बीज और जो उसका कचरा होता है वो निकालना। और ये मैं खाऊंगी, मैं इसमें मसाला डाल खाऊंगी। यही तो सबसे ज़्यादा मेन फालसा है। बहुत खट्टे फालसे थे, ऐसा लग रहा है पेड़ से ऐसे तोड़ के ले आए। ये बन रहा है मसाला। पचास रुपये का एक गिलास ही मिलता है। ऐसा अपने दिन बना लिए गर्म पानी में, जिसमें डाल सुन और नींबू है और ये सब्जी काट ली है। कीमत भून गया है, ऑयल अलग हो गया है, हम इसमें ये गलत कर सही नहीं है और मेरा काम चेक कर रहे हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो खाना वाना खाकर हम फ्री हो गए हैं। और फ्री होने के बाद मुझे हॉस्पिटल जाना था दोबारा, तो मैं हॉस्पिटल गई थी और अभी हॉस्पिटल से आई हूँ और आकर बैठी हूँ चाय बनाकर। तो मीरब इतनी ज़ोर से गिरी है कि वो दरवाज़ा जाके मीरब के यहाँ लगा और मीरब ऐसी हो गई बिल्कुल, हाथ वात यूँ मोड़ ली। और मैं तो डर गई भाई, मैं तो ऐसी हो गई। मेरी बेटी एक ही तो मेरी बेटी है, हैं, और जो इतनी ज़ोर से भागती है ना कि देखती नहीं है, इतनी ज़ोर से दरवाज़ा लगा सिर पे, ये सब यहाँ स्वेलिंग आ गई शायद। ये वाला हिस्सा था मेरा, ये वो वाला है, मैंने कहा था देखो स्वेलिंग आ गई है। ये इतनी ज़ोर से जाके दरवाज़ा लगा है सर पे, और अगर दरवाजे की जगह दीवार होती तो सर फट जाता। मैं जल्दी से उठाया है, उठाकर इसके हाथ वाथ सब ऐसे मोड़ लिए अपने और नीली हो गई बिल्कुल नीली, होंठ वोट सब नीले हो गए। फिर मैंने फ़ौरन से दवाई दी थोड़ी सी और फिर पानी वानी पिलाया तो जाके सही हुई है। बर्थडे है आपकी, आप क्यों ऐसा करती हो? मीरब की परसों बर्थडे है। अब आप क्या बोली थी फ्रेंड्स को बर्थडे का? मैं कह रही थी फ्रेंड्स को बताओ तो आपकी बर्थडे कब है, दर्द हो रहा है सर में। फिर मैंने ब्रोफिन दिए, ब्रोफिन देने के बाद अभी जाओ अजा के लेट जाओ। बच्चे ना ऐसी शरारतें करते हैं, बच्चों की शरारतों से बड़ा डर लगता है भाई। फासिल भाई बोलते बेटा, फासिल भाई ने ना ये मुक्को जब हमारे घर आई थी, जब फासिल भाई ने मेरी प्राकृतिक खिलौने से उंगली तोड़ दी थी, उंगली तोड़ ली थी तो उंगली काट दी थी। उनका बोलना ही कुछ अजीब ही है भाई। तो जो है वो बच्चों को अल्लाह ताला अपने ज़मान में रखे भाई, छोटे बच्चे होते हैं। हमारे तो बासिल ने बहुत तंग करा है हमें, और मीरब के साथ खेलते हैं लोग, खेलते कम है भागते ज़्यादा। आजकल पता नहीं बच्चों के खेल कौन से हैं, भागने भागने वाले हैं, बस भागते रहो। हल्ते से भागती, अच्छी बच्ची है ना वो। और जो है क्या कह रही थी, क्या कह रही थी, आज आराम से भागती हैं लड़कियाँ। और हमारे इस मंथ में दो बर्थडे हैं, एक हाशिर की और एक है मीरब की। तो सबसे पहले आएगी मीरब की बर्थडे और फिर आएगी हाशिर की बर्थडे। ऐसे सितंबर में दो हैं बासिल की और शाजिल की। तो ऐसे हमारे घर चार बच्चे दो ही मंथ में फ्री फारिग हो जाते हैं हमारे। हाशिर भाई की, हाशिर भाई की बर्थडे आपकी बर्थडे के बाद आएगी। और हाशिर के पेपर्स हैं और हाशिर पेपर्स में इतने लगे हैं कि मीरब की बर्थडे का भी समझ में नहीं आ रहा है कि मीरब की बर्थडे करें या बाद में करें या एक साथ दोनों की करें, क्योंकि पेपर्स 24 मई को ख़त्म होंगे और 24 मई को मेरे ख्याल में नज़दीक रज़ा है। और जो है
बिल्कुल बिजी बिजी टाइम है, ये पूरा मंथ बिजी है। अभी भी हमें जाना था लेकिन पता नहीं अभी जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन हाजिर अभी भी पेपर याद कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल रात तक लेट नाइट तक याद करते हैं, मतलब सुबह हो जाती है उसके बाद फिर वो सुबह सोते हैं तो फिर 2-2:30 बजे तक सोते हैं, उसके बाद फिर उठते हैं, फिर पेपर की तैयारी, तो यही उसका पूरा दिन का काम है। तो अच्छा है, अभी मेहनत करेगा तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। वो बिल्कुल मेरी तरह गए पढ़ाई में, बिल्कुल सेम ऐसे ही पूरी पूरी रात जाग कर पेपर याद करती थी और सुबह पेपर देकर आकर फिर सोती थी। तो जो है बहुत कम ऐसे लड़के होते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, जो पढ़ाई में उनका दिल लगता है, वरना बहुत से लड़के ऐसे हैं जो पढ़ाई से भागते हैं, जो सोचते हैं कि पढ़ाई ना बस एंड टाइम पर देख लेंगे पेपर खोल के, लेकिन हाजिर माशाल्लाह से अच्छा पढ़ते हैं। जो वहाँ पढ़ते हैं सर भी बहुत तारीफ़ करते हैं और मुझे खुद पता है क्योंकि मैंने शुरू से हाजिर को खुद पढ़ाया है। तो जो बच्चे शुरू से माँ के साथ पढ़ लेते हैं और जिनकी समझ में आ जाती है ना बहुत सी ऐसी बातें, तो वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं माशाल्लाह। मेरे सारे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। मीरब देखते हैं जब मीरब पेपर देंगे तो क्या हाल होगा। हेलो गाइस, मेरा ना अभी बर्थडे नहीं तो नया पेपर मम्मा ये तो दिखा दो मेरी चोट, ये तो सारी चोटें लगी हुई है मेरे पे, मैं ना मची मेरे पे। मम्मा दिखाई ना ये बुंदा नहीं है, ये चोट है मेरी। ये बुंदा नहीं है, ये मम्मा की तरह इसकी नाक चिढ़ी है। नाक मुझे दी, चोट लग गई है मेरे पे ना, है ना। चले फ्रेंड्स, फिर मैं कहती हूँ कि अभी ब्लॉग क्या बनेगा आज, अभी मैं घर आ गई और आराम करूँगी, अब जो है सोएंगे, फिर देखेंगे अगर कोई ब्लॉग में ऐड करना हो तो कर लूँगी, वरना मैं कह रही हूँ इसी ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल कोई अच्छा सा ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि आज के लिए कोई कंटेंट ही नहीं है, आज के लिए कोई वीडियो ही नहीं, और बस यूँ ही वीडियो बना ली, हाय हेलो हो गए आप लोगों के साथ। और सेकेंड ये कि मेरे 1K होने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि मेरी 3 सांस कैसे हैं, 1K करें फिर बताऊँगी आपको पूरी डिटेल। चले फ्रेंड्स, फिर अल्लाह हाफिज़। तो मैंने कहा था ना अभी आगे देखते हैं क्या होगा, जो होगा तो ऐड कर लोगे। तो हस्बैंड ने कहा 1:30 बजे शीरखुरमा बना दें, तो शीरखुरमा के लिए दूध रखा है और मेरी काट रही हूँ, फिर बनाती हूँ शीरखुरमा। मेरे थोड़े से काट लिए हैं और ये पिसा हुआ खोपरा है, बादाम काटती हूँ और दूध मैंने बॉयल करके रख दिया है, और सवैया का पैकेट निकालती हूँ कि मैं कौन सी सवैया डालती हूँ। मैं इस्तेमाल करती हूँ ये वाली सवैया रोस्टेड, मैं ये रोस्टेड सवैया इस्तेमाल करती हूँ। देखें रोस्टेड लिखा हुआ है ना, ये सबसे अच्छी सवैया होती है तो ये यूज़ किया करें। चलें इसी होल बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बॉयल हो गया है, ओके, और अब हम इसमें चीनी ऐड कर लेते हैं। और सास मुस्तसिम होती है, मुस्तसिम तेरे बिन। क्या बना रही है? मैं शीरखुरमा। शीरखुरमा आपने खाना है? काम कर। नहीं मुझे नहीं करवाना आपसे काम। क्यों? आप रहने दें, मैं कर ली। आपकी नाक छिदवा दी ना मम्मा ने, आप रहने दें। अब बुंदा डालते हैं। बुंदा? आपकी बर्थडे ना सेब से बुंदा डालूंगी मैं, बुंदा। अपना कान का बुंदा डाल। टॉप्स। चले हम बनाते हैं। मैं बता देना। पका रही हूँ ना बेटा। शीरखुरमा बन रहा था और मेहमान आ गए रात के 1:30 बजे और मैं आ गया। मेरा पूरा शीरखुरमा सबने, मैंने सबको सर्व कर दिया। मैं आ गया। फिर मैंने दोबारा शीरखुरमा बनाया जिसमें दूध कम हो गया, भाषी जा रहे दोबारा दूध लेने। कैसा बना था भाई शीरखुरमा? आज हमारे घर पे आए इमरान खान, मतलब मैं आया। तो फजूल की बातें करने आते हो मेरे साथ? और चुनार में आया खा हुआ ऐसे सिर्फ मम्मा का शीरखुरमा बनाते बनाते मुँह हो गया लाल। टमाटर टमाटर फिर बदतमीजी कर रहा है। फ्रेंड्स मैं आपको बता ही रही थी कि शीरखुरमे की रेसिपी क्या होती है। मैंने सबसे पहले दूध डाला, फिर मेवे डाले, फिर सब कुछ डाला, लेकिन हो गए मेहमान तो फिर मैंने शीरखुरमा नहीं बनाया। फिर मैंने जल्दी जल्दी उनके लिए शीरखुरमा तैयार कर दिया और उनको खिला दिया, अपना भी बना लिया जल्दी जल्दी दोबारा से। अब फिर नेक्स्ट टाइम आपको उसकी रेसिपी बताऊँगी शीरखुरमे की इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं आप लोगों से कल, अल्लाह हाफिज़।